सतना डिस्ट्रिक्ट से सर आए हुए हैं, उनसे हम बात करेंगे। और जैसा कि हमारा अभी डिस्कशन चल रहा था, सर ने कुछ मुझे यूनिक चीज़ें बताई जो कि मेरे दिमाग से परे हैं। पहले हम सोचते थे, बहुत सारे हमने वीडियो बनाए कि भाई आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करेंगे तो आप खुद के घर में नौकर की तरह काम करेंगे, खुद घर बनाएंगे और उस घर को किराए से दे देंगे और उसी घर में आप नौकर लग जाएंगे, इस तरह से काम करेंगे। लेकिन एक नई कहानी अभी सामने आ रही है कि कंपनी से हटके भी डीलरों ने इस बिजनेस को कैप्चर कर रखा है। किसानों को कुल मिला के पूरे किसानों को जो नेटवर्क है, मतलब किसानों को अपने उसमें करके चूजा देंगे, दाना देंगे और फिर वही माल बेचेंगे, तो वो भी एक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के हिसाब से किसानों की गुलामी हो जाती है, तो उस पर भी हम बात करेंगे। उससे पहले मैं आपका परिचय करा देता हूँ। सतना से सर हमारे साथ में आए हैं और सर ने 3 मशीनें बुक की हैं ऑटोमेटिक, जो कि ट्रैक्टर से भी चलेंगी और लाइट से भी चलेंगी। उन मशीनों के विषय में भी हम बताएंगे। सर स्वागत है आपका हमारे चैनल में। क्या नाम है सर आपका? अरुण कुमार। पूरा नाम बताइए और पता बताइए। कुमार सिंह, सतना। अच्छा, कितने की फार्मिंग है आपकी? 4000। 4000 की। आपको अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि अब ना तो आप किसी को पैसा कमा के देंगे जी, ना किसी का चूजा डालेंगे जी, ना किसी का दाना यूज करेंगे जी, ना कोई आपका माल बेचेगा, आपका माल आप खुद बेचोगे जी। ठीक है जी। या तो हम ये करेंगे या तो फिर नहीं करेंगे जी। आगे समझ में? इसलिए कोई झिझक करने की जरूरत नहीं है कि कोई देखेगा, कोई डीलर देखेगा क्या करेगा, जरा सी भी डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, या तो सेल्फ डिपेंड करेंगे या फिर नहीं करेंगे, क्योंकि कुल मिला के अब हमें गुलामी नहीं करना है। हम जो भी करेंगे स्वतंत्र होकर करेंगे, अपना करेंगे। अगर बड़ा नौकर बनने से अच्छा छोटा मालिक बन जाओ। ठीक है जी। अगर पान की दुकान भी खोलेंगे तो खुद की खोलेंगे, सीधी सी बात ये। चलिए सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम शिवपाल सिंह है, मैं मध्य प्रदेश सतना डिस्ट्रिक्ट से हूँ। अच्छा। और हमारा वहीं पे रामपुर बघेलान में फार्मिंग है, करीब 3000 की है। और मैं एक निर्णय ले आया हूँ, मैं अपने से ही दाना बना के और चूजा डाल के फार्मिंग करूँगा। चलिए धन्यवाद सर। सर आपका नाम क्या है? अरुण सिंह मेरा नाम है, मैं सतना रामपुर बघेलान से हूँ। मैंने सर का वीडियो देखा, ये मशीन मैं सर से लेने आया हूँ कि अपना स्वयं का बिजनेस करना है, स्वयं का फीड बनाऊँगा और जो भी है तो अपना फीड का खर्च कम करने के लिए हमने सर से संपर्क किया है और मशीन सर के द्वारा लेने आया हूँ। चलिए, अभी जो आप लोग काम कर रहे थे, सर को दिखाइए, अभी जो आप लोग काम कर रहे थे किस ढंग से काम कर रहे थे, मतलब आप जो मेरे को बता रहे थे कैसे जो फार्मिंग आप करते हैं, तो कौन आपको चूजा देता है, कौन दाना देता है, कौन माल बेचता है और आपकी क्या भूमिका रहती है उसमें? उसमें सर भूमिका हम लोग की क्या कुछ हो, वैसे अगर बोला जाए तो कुछ नहीं है। ना तो आदमी माल बेच सकता है अपने से बराबर, मैं अगर चाहूँ, अगर जैसा कि कंपनी अगर चूजा भी दे दी, कंपनी अगर चूजा भी दे दी, दाना भी दे दी, बाद में तो अपन तो उसका कर्जदार हो गए, पैसा तो उसको देना ही पड़ेगा, तो अपन माल भी नहीं बेच सकते कि मतलब उसको तो देना ही पड़ेगा उतना, मतलब उधारी में आपको चूजा देंगे, दाना देंगे, है ना, और जब माल उठाएंगे तो काट लेंगे, और माल भी नहीं उठ पाता है, वो तो भी दिक्कत होती है अपने को। कुल मिला के उनने आपको दे दिया कि आप ये गाय संभालो, इसका गोबर फेंको, बाद में दूध हम बेचेंगे, बस वही सिंपल है, वही है, वही है, वही है। और चेक वगैरह भी ले लेते हैं एडवांस में, मान लो कि जैसे कि नहीं देते हैं, देना चाहते हैं तो पहले से ही चेक लेकर रखते हैं, तो वो तो फिर अपना फंसाने वाला काम। फार्म आपका है जी? बराबर, अपने स्वयं बताइए। अब देखिए, मैं यार चिल्ला चिल्ला के लोगों से बोल रहा हूँ, 90% मेरे वीडियो फीड पे आते हैं और मुझे गुस्सा भी आता है, क्रोध भी आता है इस बात पे, जब मैं किसानों की हालत देखता हूँ ना कि कितने प्रकार से किसानों को लूटा जा रहा है, कितने प्रकार से बिजनेस को कैप्चर कर लिया। अब आपने फार्म बनाया जी, आपने घर बनाया जी, और उसी घर को किराए से लेके और आप ही को उस घर में नौकर लगा लिया जी, मतलब घर के मालिक आप हो, फार्म के मालिक आप हो जी, है ना, आपने किराए से देके और उसी घर में आप काम पे लग गए, कर्मचारी पे लग गए जी। सामने वाले की मर्जी से चूजा आएगा, वो दाना देगा, उसकी मर्जी से बिकेगा सब कुछ, और आपको मेहनत देंगे, कमीशन देंगे, वो तो भी नहीं दे पाते सर, वो भी नहीं मिल पाता पूरा, कहाँ मिल पाता। और अगर देखो मिल भी थोड़ा बहुत मिल भी रहा होगा, आप पूरा के पूरा आप वो निकालिएगा एक दिन। आपने अगर मान लीजिए कि भाई 8000 का फार्म बनाया,
तो 8,000 का फार्म आज की तारीख में बना के देखिए, कम से कम आपको 25-30 लाख रुपए खर्च हो जाएगा, हो जाता है। उसका आप इंटरेस्ट निकालो या किराया निकालो, फिर आपकी लेबर निकालो जो आप काम करो, भूसी का पैसा निकालो, बिजली का पैसा निकालो, फिर आप निकालो कि कितना पैसा आपको बच रहा है। यानी ये लोग है ना, पूरा आपका माइंड कैप्चर करके पूरा पैसा आपका शोषण कर रहा है, आपसे सिर्फ मेहनत करवा रहा है फ्री में, आपसे इन्वेस्ट करवा दिया है वो पूरा पैसा कमा रहा है। तो भैया ऐसे बिजनेस अगर आपको यही करना है, कमीशन पे काम करना है, मजदूरी करना है, तो कहीं जाके नौकरी कर लो यार, इतना सारा पैसा लगा के खपा के फिर क्यों कर रहे हो आप कमीशन का काम। मैं कहता हूं बड़े नौकर बनने से अच्छा छोटा मालिक बन जाओ, क्योंकि इसमें तो कामयाब नहीं होंगे, होना ही नहीं है कामयाब, मतलब ये तो अंग्रेजों की गुलामी की तरह गुलामी है भाई। आप अपनी मर्जी से चूजा नहीं डाल सकते, अपनी मर्जी से बेच नहीं सकते, ठीक है, अपने आपको प्रॉफिट नहीं मिल रहा तो ये तो गुलामी हुई ना, एक मानसिक गुलामी हो गई ये तो, कि उधार दे दिया। आप ये क्यों नहीं सोचते ये लोग जो आपसे मुर्गा पाल रहे हैं, आपको दवाई दे रहे हैं, आपको दाना दे रहे हैं, ये खुद फार्म क्यों नहीं बनाते, खुद फार्म बना के खुद मुर्गा क्यों नहीं पालते, क्योंकि उन्हें पता है ना कि फार्म का बिजनेस थोड़ी है, सेठ का बिजनेस थोड़ी है। सेठ में अगर पैसा लगाएंगे, जमीन खरीद के सेठ बनाएंगे तो सारा पैसा उसी में कब जाएगा। सेठ तो अपन किसानों से बनवाओ भाई, एक सोचने की बात है, जब ये सेठ खुद क्यों नहीं बनाते आप तो ये बता, और ये नहीं बनाते तो आप क्यों बनाते हो, कि हम लोगों को आगे बढ़ना होता, उठना होता, इसलिए। अरे भाई वो इन्वेस्ट करते हैं बिजनेस में जहां पैसे से पैसा बने, 40 दिन में पूरा पैसा रिटर्न आ जाए, पूरा माल बेच के पैसा खा जाए, वहां इन्वेस्ट करते हैं। और आप इन्वेस्ट करते हो, ब्लॉक करते हो आप पैसे को, आप बिजनेस में नहीं करते हो, आपने सेट बना के पूरे पैसे को ब्लॉक कर दिया, वो पैसा कभी नहीं निकलना। और जहां इन्वेस्ट करना चाहिए वहां पे अपन दूसरे को देके और वहीं पे कर्मचारी लग जाए। मेरा सिर्फ एक सिंपल सा सवाल है कि ये जो आपसे मुर्गा पलवा रहे हैं, आपको दाना दे रहा है, जब तुम्हारे पास चूजा है, तुम्हारे पास दाना है, तुम्हारे पास दवाई है, तुम्हारे पास, तो फिर खुद क्यों नहीं करते, खुद क्यों नहीं पालते, किसानों से क्यों पलवाते। ऐसे सिचुएशन में सर तो क्या है ना कि बाद में तो फिर लास्ट ही चारा बंद कर दो, अच्छा रहेगा, पड़ा रहेगा। तो बंद कर दो नहीं, 80% फार्म बंद हो रहे हैं। मैंने कल ही वीडियो डाला था इस पे, मैं चिल्ला चिल्ला के लोगों से बोल रहा हूँ, मेरे 90% वीडियो फीड पे आते हैं कि चाहे सोने का फार्म बना लो, दुनिया का काम कर लो, जब तक फीड नहीं बनाओगे तब तक सब कुछ बेकार है। और आपको इस मानसिक गुलामी से निकलना पड़ेगा, आपको उधार देके कोई एहसान नहीं कर रहा है, वो अपनी गाय आपके उसमें बांध रहा है कि आप इसका गोबर फेंको, इसको पालो और दूध हम बेचेंगे, गाय हम बेचेंगे, आप सिर्फ इसको खिलाओ पिलाओ और गोबर फेंको, उसका हम मेहनताना देंगे, तो ये कोई बिजनेस नहीं हुआ। हुआ क्या? नहीं सर। उनने मुर्गी दे दिया कि आप इसको दाना खिलाओ, अपने यहाँ पे रखो, पालो, इसका गंदगी फेंको, वीट फेंको, पानी पिलाओ, मॉडलिटी फेंको और माल हम बेचेंगे, आपको मेहनत देंगे। तो भैया ये एक मानसिक गुलामी है, ये एक ब्रोकरों ने पूरे माफ, जैसे कंपनियों ने कैप्चर कर रखा है, ऐसे छोटे ब्रोकरों ने, डीलरों ने कैप्चर कर रखा है। इनके चंगुल से निकलो, सेल्फ डिपेंड बनो, आत्मनिर्भर बनो, स्वाभिमान का काम करो, कम करेंगे लेकिन खुद का करेंगे। अजय ठाकुर आपके साथ में खड़ा है, हम आपको हर स्तर पे मदद करेंगे, मटेरियल भी उपलब्ध कराएंगे, मशीन भी उपलब्ध कराएंगे, फार्मुलेशन भी देंगे, माल भी बिकवाएंगे, FCR भी दिलवाएंगे। मत बनाओ फार्म अब आगे, फार्म किराए का ले लो, जो पैसा हमारे पास में फार्म बनाने में लगाने वाले उस पैसे को जेब में रखो नगद, और नगद में व्यापार करेंगे, नगद में चूजा लो, नगद में दाना बनाओ और नगद में माल बेचो, जो भी करेंगे खुद का करेंगे, हमारा और हमारे बच्चों का भविष्य रहेगा। इसमें आपका भविष्य भी खराब हो रहा है, आपकी संतानों का भविष्य भी खराब हो रहा है, समय तो कट ही रहा, क्योंकि आपकी आर्थिक स्थिति खराब होगी तो कल से आपके बच्चों की स्थिति भी खराब होगी। तो मैंने कल ही बोला कि भाई पहले पढ़ो लिखो, अध्ययन करो, अनुभव लो, सीखो, फिर फार्मिंग करो। यार उठा के फार्मिंग कर रहे हैं, क्या अनुभव लिया आपने, क्या ट्रेनिंग लिया आपने, क्या सीखा आपने, ये बताइए। नहीं सीख पाए ना सर। अब आप कहोगे अजय भाई गुस्सा होते हैं बुला बुला के, तो क्यों गुस्सा नहीं हूं, क्या बताओ क्या किया आपने, क्या किया ये बताओ आपने फार्मिंग चालू करने से पहले।
काम हम किए कमा कर उनको दिए, बस यही बात। कैसे, किसने सलाह दी आपको कि आप इनको कमा कमा के दो, इनका मुर्गा पालो और आपको बिजनेस पैसा मिलेगा? किसने सलाह दी आपको? भाई आप थोड़ा बहुत पढ़ लेते उसके विषय में, आप हमारे पास आ जाते, आप एक्सपर्ट से मिल लेते, आप अध्ययन कर लेते उसमें, आप अनुभव ले लेते, तो आप इनके चंगुल में कभी नहीं फंसते। आपने 5,000 का सेट बनाया, 10-15 लाख रुपए लगाया, पूंजी लगा के अपने एंड कर दी, अब उधारी में काम करें। अब पहले अगर पढ़ लेते तो मैं आपको 15 लाख रुपए का काम 15,000 रुपए महीने में किराए से लेके करवा देता, वो 15 लाख रुपए से नगद में काम करते खुद का, उधारी की जरूरत भी नहीं पड़ती। तो ठीक है, बहुत सारी बातें हो जाती हैं यार, मेरा तो क्या अंदर से दिल दुखता है, देखो सही बात ये है। और आप लोगों को बधाई कि आपने अपने खुद का काम अब स्टार्ट करने का किया है, क्योंकि अगर आप नहीं करते तो किसी को 5 साल पहले समझ में आ गई है, किसी को आज समझ में आ रही है, किसी को बर्बाद होने के बाद समझ में आएगी। समझ में सबको आना है कि पोल्ट्री का नहीं फीड का बिजनेस है। ब्रोकरों से बचो, दलालों से बचो, डीलरों से बचो, तो कंपनियों से बचो, ठीक है जी। क्योंकि ये आपको पूरा दबा के मारने वाले हैं, निचोड़ रहे हैं, निचोड़ रहे हैं, पूरा खून नहीं निकलेगा ना, निचोड़ के जाता फेंक नहीं देंगे जब तक आपको नहीं छोड़ेंगे, समझ गया? तो इनसे बचो और सेल्फ डिपेंड बनो। सर ने, तीनों ने अपना सेल्फ डिपेंड काम करने का निर्णय लिया है, तीनों ने अपनी मशीनें बुक की हैं, तीनों ने ट्रैक्टर वाली मशीन ली है, हमने सर को फार्मुलेशन बताने वाले हैं, हम ट्रेनिंग भी हम देंगे पूरा इनको 40 दिन के लिए, पूरा फीड बनाना बताएंगे। कितने मिनट का वीडियो हो गया? 12 मिनट का हो गया। आप कोई देख तो पाओगे नहीं 12 मिनट का, देख लोगे। चलिए ठीक है साथियों, अगर वीडियो पसंद आया है और आप भी इसी तरह से फंसे हुए हैं तो एक बार हमसे संपर्क कीजिएगा, भोपाल मध्य प्रदेश आइएगा, हम आपको नया तरीका बताएंगे, नया उदय करवाएंगे, नया सवेरा बताएंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।